संगीत सरिता प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला नाद निनाद का चौथा भाग। इस कार्यक्रम में संगीत के विभिन्न सृजनात्मक प्रवृत्तियों पर अपने साधारण विचार प्रकट कर रहे हैं सुविख्यात बांसुरी वादक और संगीतकार विजय राघव राव। नमस्कार। काव्य और संगीत दोनों ही गतिशील कलाएं हैं और दोनों ही कर्णेंद्रियों के माध्यम से आनंदोद्रेकित करते हैं। संगीत जिन भावनाओं की सूक्ष्म और निराकार अभिव्यक्ति करता है उन्हीं को कविता साकार रूप प्रदान करती है। प्रेम, बिरह, मिलन, तड़पन, इतना ही क्यों, सुख दुख के नवरस भरित जिंदगी की हर पहलू को काव्य और संगीत दोनों रसिकात्मक रूप में प्रस्तुत कर पाते हैं। जरा हम भी तो सुने वो तड़पन कैसी है। मित्रों, जानते हैं पिया की मिलन की आस में दिल की धड़कन कैसी होगी। दिया
संगीत के विभिन्न शैलियों में परस्पर आदान प्रदान होकर इस सुर लय के लेन देन में कई नई बातें निकल रही हैं। ऐसे प्रयोगों में अगर कलाकार दक्ष न हो तो अजब खिचड़ी बनने का भी शंका हो सकती है। अपने अपने शैली के शुद्धता को रखते हुए एक नई कल्पना के दुनिया में हमें ले जा रहे हैं दो विख्यात कलाकार इस सरोद और वायलिन की जुगलबंदी में। पश्चिम का सुंदर मिलन, क्या पूरब क्या पश्चिम, अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए ये सात सुरों की सप्तक कैसा नवरस का अमृत बरसा सकती है।
विशेष श्रृंखला नाद निनाद का चौथा भाग अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे सुविख्यात बांसुरी वादक और संगीतकार विजय राघव राव। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली। I'm not